जिस समय देश में संसद चल रही है वहाँ पर अंदर आवाज़ उठ रही है किसानों के पक्ष में, कई सांसद उठा रहे हैं। हमने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी किस तरह से ट्रैक्टर पे गए और उन्होंने किसानों के पक्ष पे माहौल बनाने की कोशिश की। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर उसी समय से किसान संसद चल रही है। किसान संसद अलग अलग रूप रंग लेते हुए बहुत तेज़ी से अपनी मांग को पुख्ता कर रही है कि देश की संसद को न सिर्फ इन तीन काले कानूनों को वापस लेना होगा बल्कि किसानों के पक्ष में सोचना होगा, नीति बनानी होगी। इस पर हमने कोशिश की जंतर मंतर पर आने वाले किसान नेताओं से बात करने की। वे अलग अलग धड़ों के हैं, वे अलग अलग संगठन के हैं, लेकिन सारे के सारे लोग संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। वे एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से उन्होंने लॉन्च किया यूपी 2022 मिशन। हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए उनके साथ, कि क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बाकी राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी खेती किसानी का मुद्दा क्या मुद्दा रह पाएगा, इसके आधार पर किसान वहां जा पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि लगातार किसान उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, हर जगह किसानों की पंचायतें हो रही हैं, होने की योजना है। बड़े पैमाने पर किसानों को खेती के आधार पर एकजुट करने की योजना बन रही है। यह जो योजना बन रही है इसमें इन किसान नेताओं को क्या दिखाई दे रहा है, उनकी रणनीति क्या है, आइए जानते हैं इन नेताओं से। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन की संभावनाएं हैं, 2022 की तैयारी चल रही है वहाँ पर चुनाव की, उसमें किसान आंदोलन कहाँ खड़ा है? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, 75% कैंडिडेट बीजेपी के हारे थे पंचायत के चुनाव में। ये ठीक है कि बीजेपी के अधिकांश जो हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन बीजेपी के बने, लेकिन दुनिया जानती है, बीजेपी के लोग भी जानते हैं और तमाम लोगों को पता है कि मेंबर चुने गए, मेंबर 25% जीत के आए और 80% चेयरमैन बन जाए, तो वो उन मेंबरों की जो खरीद फरोख्त हुई 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, उसके माध्यम से ये जिला परिषद के चेयरमैन जरूर बना गए, लेकिन मैंडेट आ गया, 75% लोग इनके हारे वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 2022 के इंडिकेशन तो पंचायत चुनाव में आ चुके हैं। राज्यपाल जी, ये बताइए कि ये जो किसान महिला संसद है इसकी क्या आपको इम्पोर्टेंस लगती है? अभी तक तो किसान महिलाओं को किसान मानते नहीं थे, इस आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पर महिलाएँ आईं, तो महिला किसान संसद से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये बात नहीं कि महिलाओं को किसान मानते नहीं थे। महिलाओं का एक अलग स्थान है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, तो इसीलिए वो हमारे साथ शुरू से मोर्चे में हमारे साथ हैं। और इसीलिए हमने तय किया, जब ये सारा संसद का प्रोग्राम बना तो दो सेशन, दो दिन, आज का और 9 तारीख का, हमने महिलाओं के लिए रिजर्व रखा। और इसके अलावा एक दिन हमने रखा है जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, एक दिन उनके लिए भी रखा है। और उनके साथ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी आएंगे, उनके साथ हाई कोर्ट्स के बार के प्रेसिडेंट भी आएंगे, ताकि हम सरकार को ये बता सकें क्या इन जजेस को भी कानून की समझ नहीं आ रही, आपको ही आ रही है। और इसके अलावा एक दिन पी साईनाथ, देवेंद्र शर्मा, सुचा सिंह गिल, डॉक्टर रणजीत सिंह कुमन, ऐसे इकोनॉमिस्ट भी एक दिन बुलाएंगे, उनके लिए भी एक दिन हमने रखा है। हम चाहते हैं कि हर तरह से इसको, इसकी थ्रेड बेयर इस पर डिस्कशन हो जाए। और ये एक तरह से सरकार के मुंह पे चपेड़ है, लोगों की चुनी हुई पार्लियामेंट पे लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो यहाँ पैरेलल पार्लियामेंट लगा दी। और इसमें जो डिबेट हो रही है, ऐसी डिबेट अगर वहाँ हो तो देश के लोगों से कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि वो करते नहीं, इसलिए ये पैरेलल पार्लियामेंट लगा दी हमने। दर्शनपाल जी, आपसे दो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो ये जो महिला संसद आपने सोचा, किसान नेताओं ने सबने मिल के सोचा, इसकी अहमियत क्या आपको लगती है? पहला सवाल तो ये। देखिए, संसद सत्र शुरू होने जा रहा था, इसमें हमने पार्लियामेंट मेंबर्स को एक विप जारी किया कि हमारे मुद्दों के बारे में अब पार्लियामेंट के अंदर लोग आवाज़ उठाइए। और जैसे ही ये होने जा रहा था तो हमने साथ ही ये कहा कि हम जो
वहाँ जाएं, वहाँ अपनी गैदरिंग करें, और गैदरिंग को नाम दिया गया किसान संसद का। जैसे विप का नाम आया, उसी तरह से किसान संसद का नाम आया, ताजो किसानों को यहाँ इकट्ठे करके हम अपने मुद्दों को डिस्कस करें और डिस्कस करके रेजोल्यूशन डालें कि किसानों ने ये रेजोल्यूशन डाला है कि किसान अपने जो तीन कानून को रिपील करेंगे और साथ ही एमएसपी की गारंटी देने वाला जो कानून है वो लाने का रेजोल्यूशन पास करेंगे। किसानों ने शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश 2022, मिशन उत्तराखंड 2022 और साथ ही साथ पंजाब। निशाना बिल्कुल सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भाजपा के खिलाफ लामबंद होंगे किसान। जिस तरह से वहां पर लखनऊ में जाकर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां कहा कि दिल्ली ही की तरह लखनऊ को भी चारों तरफ से घेर लेंगे किसान अगर भाजपा सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उससे एक बात बहुत साफ लगती है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर किसान अब राजनीति को दूसरे ढंग से गरमाएंगे। और साथ ही साथ बहुत अहम घोषणा यह भी है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होगी, महापंचायत की घोषणा किसान मोर्चे ने की है। इस महापंचायत के जरिए माहौल बनाया जाएगा और भाजपा किस तरह से किसान के विरोध में खड़ी है इसे लेकर वह गांव-गांव बस्ती-बस्ती जाने की योजना बना रहे हैं। संसद के भीतर भी लगातार किसानों के पक्ष में मांग उठ रही है। जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां पहुंचे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में सांसद किसान संसद को समर्थन दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के लिए इस आंदोलन की उपेक्षा करना पूरी तरह से संभव नहीं है। युधवीर जी, एक चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो तब भी थोड़ा आंदोलन मजबूत बताया जाता है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और वहाँ पे लोगों का कहना है कि एक बार जब हिंदू मुसलमान कार्ड शुरू हो जाएगा, अभी अयोध्या दर्शन शुरू हो रहा है, उसकी काट आप कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। ये मतलब इनका एक पैटर्न रहा बीजेपी का कि धर्म में विभाजित करके लोगों को वोट बटोरते हैं ये, लेकिन बार बार ये कार्ड नहीं चलता। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, लोगों को मतलब बहुत दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। मतलब धर्म से जिंदा नहीं रहा जा सकता। धर्म तो एक आस्था की चीज़ है, उसको पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और लोग अब समझ गए हैं कि ये जो है ये इनका वोट बटोरने का एक तरीका मात्र है, बाकी इनका कोई मतलब कोई एजेंडा नहीं है जिससे समाज की उन्नति हो और समाज इस राह पे बढ़े। और उत्तर प्रदेश में लोगों की समझ में आ गया 2022 जो है वो एक धमाका होगा जिसमें लोग जो है खुल के सामने आएंगे। लोग मतलब बुरी तरह से, जिस तरह से कोविड का पहला दौर था, कोविड का पहला दौर आपने देखा जिसमें लोग बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में पैदल चल के आए थे। और दूसरा दौर आपने देखा कि नदियों में लाश तैर रही थी और कुत्ते खा रहे थे। ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह संभाला। इतिहास में कभी कोई ऐसा वृतांत नहीं आता कि कुत्ते जो हैं डेड मतलब लाश। लोग भूल गए क्या? ऐसा कोई नहीं भूला है, सबको याद है, सबको पता है, वक्त आने पे जवाब देंगे लोग इस पर। जो पैरेलल पार्लियामेंट है और जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं, क्या अभी तक कितने सांसद हैं जो आपके समर्थन में आए हैं? ये गिनती तो नहीं की, लेकिन हमने एक विप जारी किया है सारे अपोजिशन एमपीज को अलग, रूलिंग पार्टी को अलग। तो हमने उन सबको ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा, किसानों की मांगे इसके लिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, और उतनी देर तक पार्लियामेंट सेशन ना चलने दें जब तक सरकार कोई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कोई कंक्रीट वादा करके आंदोलन को हल निकालने की बात नहीं करती। उस वक्त तक सरकार, और उनको ये भी कहा गया है कि वॉकआउट नहीं करना, वॉकआउट करके वो सरकार को एक चांस देते हैं, वो अपना बिजनेस ख़त्म कर लेती है। तो ये अभी तक वो ठीक से चल रहा है, वी आर वॉचिंग। जो ठीक कर रहे हैं काम उनका भी हमारे ध्यान में, जो गलत कर रहे हैं वो भी ध्यान में। दूसरा सवाल ये कि मिशन यूपी स्टार्ट हुआ है,
मिशन यूपी यानी क्या? ये मिशन यूपी में हमारा ये ऐलान है कि मिशन यूपी में हम बीजेपी को शुरू में ही जो उसका जो बेस है उस बेस को हम खोरा लगाएंगे और उसको हम हर जगह जो हमने पहले कहा है कि मिशन बीजेपी के तहत यूपी में लोगों को कॉल देंगे कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का बायकॉट करो, जैसे हमने पंजाब और हरियाणा में कर रखा है, और दूसरा अडानी अंबानी की सर्विसेज और जो भी उसका प्रोडक्ट्स है उसका बायकॉट करो, और तीसरा जो टैक्स के रूप में टोल प्लाजे जो टैक्स ले रहे हैं लोगों से उस टैक्स से मुक्ति के लिए टोल प्लाजाज को फ्री करेंगे, और ये जो फ्री करेंगे इससे लोगों को बहुत एक मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और इससे लोगों में किसान आंदोलन का बेस भी बनेगा और साथ ही बीजेपी है जो उसको डिसलॉज करने के लिए एक आधार बन जाएगा यूपी में, इसको यूपी मिशन कहते हैं। किसान आंदोलन की क्या तैयारी है, कैसे किसान आंदोलन इस चुनौती को स्वीकार करेगा? हमने ये तय कर लिया, हमको ये पता है दिल्ली में हम बैठे हैं 8 महीने से 550 किसान शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी है, तो हमने तय कर लिया कि हम लोगों के पास जाएंगे और मिशन यूपी उत्तराखंड की शुरुआत हमने कर दी है। आज लखनऊ हम इसकी घोषणा कर रहे हैं, 5 सितंबर को एक बहुत ही बड़ी किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है, उसके बाद यूपी के 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों में किसान पंचायत होगी, जब 18 मंडल यूपी के और 2 उत्तराखंड के 20 पंचायत करके हम प्रत्येक ज़िले में पंचायत करेंगे और उसके बाद ब्लॉक वाइज और गांव में एक एक गांव में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और इनका चेहरा जो है, इनकी कथनी और करनी जो है, किस तरह ये धर्म के नाम से वोट बटरते हैं, किस तरह ये जातियों को आपस में लड़ाते हैं, वोट बैंक का कोई इनका कंक्रीट एजेंडा नहीं है। बहुत सीधी सी बात जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी कहा कि मैं बस एक फ़ोन की दूरी पर हूँ, अभी भी वो कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान तैयार नहीं है, तो इसके ज़रिए वो बता रहे हैं कि किसान सुनने को तैयार नहीं। ऐसी बात है, प्रधानमंत्री बयान बहुत बढ़िया दागते हैं और लेकिन कौन से फ़ोन पर कॉल करें ये नहीं बताते, एक बात। दूसरी, किसानों ने कभी इनकार नहीं किया नेगोशिएशन से भागने का, सरकार के पास कुछ है नहीं, हम सरकार तो इतना भी झूठ बोलती है कि क्लॉज बाय क्लॉज बहस नहीं करते, हमने बहस की तभी उसमें से जो संशोधन की बात करते हैं वो निकले हैं ना, अगर बहस ना की होती तो इनको क्या पता था, तो बहस भी की उसकी भी वो बात नहीं करते, और बातचीत के लिए कहते हैं लेकिन शर्त लगा देते हैं कि रिपील नहीं होंगे। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाए कानून, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, आपने उस पर कानून बना दिया, आपको अधिकार नहीं, तो कैसे रिपील क्यों ना हो। और आप 33 नंबर आइटम जो कंकरेंट लिस्ट से लेते हैं वो फूड स्टफ के लिए है, एंड वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन, तो फूड स्टफ तो प्रोसेसिंग के बाद बनता है, तो वो कैसे बना सकते हैं ये कानून। और उन्होंने ट्रेडिंग के लिए कानून बनाया है, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए तो बनाया ही नहीं, तो वो सरासर झूठ बोलते हैं, वो एस्केप ढूंढ रहे हैं, वो उनको मिल नहीं रहा। सेकंडली, मोदी है तो मुमकिन है, ये रास्ते में रोड़ा है, उनकी ईगो वो उनको कुछ भी करने नहीं दे रही। ये बताएं कि यूपी में अभी पूरा जोर योगी जी ने और मोदी जी ने लगाया है और उनका कहना है कि जो किसान आंदोलन है ये उस तरह से असर अपना नहीं छोड़ पाएगा, इसके कैसे काट करेंगे, और ख़ास तौर से जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने की योजना है? देखिए, उन्होंने जोर लगाया लेकिन हमारा भी दूसरी तरफ ऐसे हरियाणा में भी जोर लगाया था उन्होंने, तो मेरा बैग कहाँ है? मेरे पास। अच्छा, तो उन्होंने हरियाणा ने भी पूरा जोर लगाया हुआ था लेकिन हरियाणा में जनता की यूनिटी ने और संघर्ष ने बीजेपी को एकदम मजबूर किया और बीजेपी को एकदम गांव में और शहर में घुसने नहीं दिया, कोई प्रोग्राम करने नहीं दिया, उसी तरह का माहौल हम बीजेपी के लिए यूपी में बनाएंगे। हाँ, यहाँ क्योंकि बीजेपी बड़ा राज्य है, बीजेपी मजबूत है, इसलिए हो सकता है कुछ 2-4 जगह कुछ सरकार जो हिंसात्मक घटनाएँ घटाने के लिए भी कोशिश करें, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा मिशन है टोटली पीसफुल रहे। अभी जो
संसद में जिस तरह से शुरू होने से पहले कैबिनेट में चेंज हुआ, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग लिए और उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा ओबीसी लिए, दलित लिए, और उसे बहुत बड़ा काट बताया जा रहा है कि जो नाराज़गी है जातिगत समीकरण मोदी जी ने और योगी जी ने ठीक कर लिया। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कि 2022 के चुनाव की वजह से इन लोगों को लिया गया। अगर इतने ही हितैषी थे और इतना ही इनका प्रेम था उनके प्रति तो सरकार बनते ही लिया जाता उन लोगों को। आज लोगों को लेने का सीधा मैसेज गया कि ये चुनावी एजेंडा लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इसको, बहुत साफ तौर पर समझ रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं लोग कि अब जो लेने का मतलब है वो चुनाव में हमारी वोटों को फिर इस बहाने से बटोरना। आपको क्या लगता है कि मैसेज जा रहा है, लोग भूल भी जाते हैं कि किसान यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, लोग तो नहीं भूलते, जिन लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, जो हरियाणा की तरफ से आते हैं, यूपी से आते हैं, सबको पता है आंदोलन चल रहा है, ये नहीं। और ये भी नहीं, देश के किसी भी कोने में जब हम कोई कॉल देते हैं तो 19 स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, 19 राज्यों में, और इतनी तरह से इतनी ज़ोरदार ढंग से होती है, तो सभी लोगों को पता है कि हाँ एक आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है इस देश को, एक तो कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था मोदी के खिलाफ, अब आंदोलन करने की लोगों को जांच भी आ गई, पीसफुल कैसे लड़ना है। ये वर्ल्ड का नंबर वन आंदोलन है जिसमें वर्ल्ड में नंबर वन पार्टिसिपेशन और सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे लंबा। इस आंदोलन ने अवेयरनेस समाज में जो लाई है, और ये जिस तरह से सारी दुनिया में इसकी चर्चा है तो दुनिया के लोग इस पे ध्यान लगाए बैठे हैं, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। आपको लगता है कि इतने समय हो गया, 8 महीने हो गया किसान आंदोलन को, ये अपना नीचे तक कोई बेस बना पाए हैं, या जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए थे वो अभी भी लोगों के दिमाग में जिंदा हैं? देखिए, एक अच्छे खासे हिस्से में मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के सराउंडिंग जितने स्टेट्स हैं यहाँ तो किसानों में मुद्दों का बेस भी और आंदोलन का बेस भी बना है। लेकिन ये बात भी सही है कि साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में जिस तरह से बेस बनना चाहिए उस तरह से अभी तक नहीं बना है। इसके लिए हमारी जो कलेक्टिव एफर्ट है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, उसकी ज़रूरत थी और आज भी है, और हमने संयुक्त किसान मोर्चा में इसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी वहाँ की लोकल डिमांड्स को साथ लेके, जैसे यूपी में भी हमारी इच्छा है कि बिजली का क्राइसिस और गन्ने की जो बकाया लोगों का है वो डिमांड जोड़ दी जाए यूपी में भी, इसी तरह साउथ स्टेट में भी जो लोकल इश्यूज हैं उनको साथ जोड़ के आंदोलन जो है वो वहाँ एक आंदोलन, किसानों का आंदोलन जैसे हरियाणा और पंजाब में है उसी तरह का आंदोलन वहाँ बनाया जाए। तो क्या सारे लोग इकट्ठा होके यूपी, मिशन यूपी यानी मतलब क्या? मिशन मतलब यूपी में एक हमने ये तय किया कि पूरे देश में हम इस इश्यू को लेके जाएंगे, तो हमने उत्तर प्रदेश को चुना है पहले, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद हम मध्य प्रदेश बिहार और तमाम देश में होते हुए, क्योंकि हमको नहीं लगता सरकार जो है ये सरकार, इस मौजूदा सरकार से हमको कोई उम्मीद अब बची नहीं है, क्योंकि ये समय कम नहीं है 8 महीने का, और 8 महीने जिस तरह से किसान 1 डिग्री टेम्परेचर और 46 डिग्री टेम्परेचर दोनों किसान ने डामर रोड पर निकाल दिए हैं, और इनको थोड़ा भी दया नहीं आई कि किसान किस परिस्थिति में, और ये हमको मवाली कहते हैं, हमको आतंकवादी कहते हैं, मतलब तरह तरह का जितनी ना कहने की बातें हैं वो हमारे बारे में कही जाती हैं, इसका मतलब कहीं किसान इनके एजेंडे में है ही नहीं। आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत है, लेकिन क्या देश के भीतर इतना सपोर्ट अभी भी है पंजाब, क्योंकि उनको दिक्कत है, उनको लगता है खाली पंजाब हरियाणा के लोग हैं और कहीं के नहीं है? यही तो बात है जो ना मीडिया समझता है ना सरकार समझती है। केरल के लोगों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तो कंटिन्यूसली बैठे हैं। महाराष्ट्र के लोग यहाँ आए, गुजरात के लोग यहाँ आए, तमिलनाडु के लोग यहाँ आए, और परसों पार्लियामेंट में थे तमिलनाडु के, आंध्र के लोग यहाँ आए, तो देश कैसे बनता है? ये सारी स्टेट्स को मिला के देश नहीं बन जाता। पूरे देश में मैसेज गया हुआ है, पूरे देश में मैसेज गया हुआ है, मैसेज नहीं गया हुआ, पूरा देश इस आंदोलन में इन्वॉल्व है, वो अपना अपना योगदान इसमें डाल रहे हैं। 8 महीने में किसान थका नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं, किसान तो हर रोज खेती में काम ही करता है, उसने क्या थकना है, बल्कि यहाँ तो आराम से बैठते हैं खाना खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, अक्का तो बोल सकते हैं आपके, अक्का नहीं अक्के में हो सकता है,
लेकिन फिर भी डे टू डे जो प्रोग्राम्स हम लेते हैं उससे रिफ्रेशिंग हो जाती है, जैसे आज के प्रोग्राम से हो रही है, पार्लियामेंट सेशन से हो रही है, या कभी कभी गायक लोग आ जाते हैं वो कर देते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म से रिफ्रेशिंग भी हो जाती है। जी थैंक यू, शुक्रिया। आज जो महिला किसान संसद हो रही है, क्या आपको लग रहा है, कभी आपने सोचा था कि किसान के साथ महिला नाम जुड़ेगा? मैं हरियाणा कल्चर है, मैं जो हमारी दिल्ली देहात का रहने वाला हूँ, तो पंजाब हरियाणा और दिल्ली के गाँव में मैंने कभी महिलाओं की भागीदारी देखी नहीं किसानों की पंचायत में। एक महिला नहीं मिलती थी 1 लाख की भीड़ में, लाते ही नहीं थे, आती भी नहीं थी। अब ऐसा हो गया, एक एक 50-50 हज़ार महिलाएं हमारे मोर्चों पर जुट रही हैं, महापंचायत में भी आ रही हैं, महापंचायत में बहुत ही अधिक संख्या में, बहुत ही अधिक संख्या में, एक मतलब बराबर का भागीदारी महिलाओं की होगी। और ये संदेश जाएगा कि समाज में पूरी तौर पर चेतना आ गई, जब महिलाएं भागीदारी शुरू होगी तो फिर कुछ नहीं बचता, और समाज में परिवर्तन की शुरुआत का द्योतक है ये, क्योंकि महिला परिवार में अपने बच्चों को एजुकेट करती है, शिक्षा देती है, वो जैसा बच्चा तैयार करेगी ऐसा ही भविष्य देश का और समाज का तैयार होगा। तो जब महिला जागरूक हो गई है तो नेचुरली आने वाली पीढ़ियां जागरूक होंगी। ये जो मिशन यूपी 2022 शुरू हो रहा है और उत्तराखंड को भी आप ले रहे हैं, उससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? देखिए आज हमने शुरू कर दिया यूपी, उत्तराखंड और यूपी मिशन यूपी, और इसमें जितनी डिवीजन्स हैं डिवीज़न लेवल पे एक एक बड़ी महारैली होगी सारे दोनों स्टेट्स में, और 5 सितंबर को नेशनल लेवल की एक रैली मुजफ्फरनगर में होगी। अगर उस ये सारे लोगों को और ज़ोरदार ढंग से आंदोलन को तेज़ करने के लिए करेंगे, इसके साथ ही हमारी टीमें अब निकलेंगी साउथ की स्टेट्स को और तेज़ करने के लिए, और फिर जब ये हम 5 सितंबर वाला कर लेंगे तो एक झटके से सारे देश को हिलाएंगे। यानी कि ये जो मिशन यूपी है ये लंबा चलेगा आपका? ये 5 सितंबर तक तो है, उसके बाद अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो बंगाल वाली बात करेंगे फिर। आपको लगता है कि बंगाल में आप लोगों का भी योगदान है? है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी ममता की, हम जब गए एक हफ्ते में सारी हवा बदल गई, तो इनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ से वापस ही नहीं आते थे, तो फिर आपको लगता है कि यूपी में भी ऐसा हो पाएगा? लेकिन योगी जी की सरकार है, पक्का 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 बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये पंचायत चुनाव हुए उसमें क्या हुआ है, लेकिन बाद में तो सब चले गए बीजेपी के पास, वो तो इनके पास डंडा है ताकत का, उससे गए ना, लोगों का मन तो नहीं गया, लोगों का मन तो मत देने तक था, मत जब दान किया, मतदान किया तो लोग सरकार के खिलाफ होते। यूपी में आपको लगता है कि आप लोगों की जो रणनीति है वो सत्ता में परिवर्तन करने लायक है? क्योंकि अभी राजनीतिक तौर पे लोग बता रहे हैं योगी जी ने भी बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू की है और मोदी जी पीछे खड़े हुए हैं उनके। देखिए हमारा प्रयास लोगों के समक्ष इनका चेहरा रखना, बाकी लोगों के ऊपर निर्भर है वो अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं। हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, हम किसी के पक्ष में मतदान की मांग नहीं करेंगे, लेकिन हम सत्ता पर रूढ़ पार्टी के जो चेहरे हैं जो काम है उनको उजागर करेंगे कि इन्होंने खेती को ख़त्म करने के लिए, रोज़गार को ख़त्म करने के लिए, नौजवान को रोज़गार ना दिया गया इस पीरियड में, जो बेरोजगारी बढ़ी है वो तमाम कारण हम लोगों के सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे, और अगर उनको निश्चित तौर पर अगर हमारी बात ठीक जचेगी तो एक विरोध तो बनेगा। जी शुक्रिया। अभी तो अयोध्या यात्रा भी शुरू हो रही है, बाकी योगी जी अलग अलग वादे भी करें किसान को, 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, 6 हज़ार रुपये साल में, ये सारा ड्रामा है। एक बात समझो, इनके पास कम्युनल बातों के सिवाय और कुछ नहीं है। भारत ऐसा देश है, मैं समझता हूँ ये इसलिए बचा हुआ है कि इसमें मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन सेकुलर माइंडेड है, इनकी बातों में नहीं आई, इसी वजह से ये देश बचा हुआ है। अगर सभी लोग कम्युनल हो गए होते तो ये देश नहीं बचता, टूट गया होता। किसान आंदोलन भी बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, हमारा तो बेसिक देश हमारा है, गांव में हमने रहना है, इन्होंने तो नहीं रहना, ये तो 8700 करोड़ के जहाज से उड़ जाएंगे, वो झोला कंधे पे लटका के 8700 करोड़ के जहाज से किसी चौकसी या किसी और से पैसे लेके जा बैठेंगे किसी ठंडे देश में। आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन लंबा चलेगा? अभी सरकार पे डिपेंड करता है,
सरकार चाहे तो दो दिन में लोग घर जा सकते हैं, सरकार नहीं चाहती तो दो साल भी लग सकते हैं। एक बात बहुत साफ है जो ये तमाम किसान नेता या जो किसान सांसद आए हुए हैं वे दोहरा रहे हैं कि उनकी लड़ाई लंबी है, वे जानते हैं। यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली की सरहद पर ही नहीं या जंतर मंतर ही पे नहीं, ये तमाम जगहों पे, तमाम राज्यों में लड़ी जाएगी, तमाम विधानसभा के जो चुनाव होने हैं वहाँ लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का परिणाम आया उससे भी उनको ताकत मिली है और शायद यही सोचकर वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। यह लड़ाई किस तरह से जिलों में जाएगी, पंचायतों में जाएगी, गाँव में जाएगी, लेकिन इसका परिणाम जो भी हो, एक बड़े पैमाने पर जनजागरण करने में यह किसान आंदोलन सफल हो पाया है।